देख सकते हैं दोस्तों, ये सीक्वेंस में हमने लगानी है 1 2 3। देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने तार इस तरह से बांधा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, आपके बर्ड भी ठीक ठाक होंगे। स्वागत करता हूँ आपका इंडियन बजीज एंड लव बर्ड चैनल पर। आप सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ब्रीडिंग सीजन शुरू होने वाला है और अब ब्रीडिंग के लिए हमने मटकियाँ लगाने की तैयारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने मटकियाँ लगाने की वीडियो लेकर आया हूँ और ये देख सकते हैं, ये सब मटकियाँ यहाँ पर मैंने निकाल के रख ली हैं। और ये सब जो मटकियाँ हैं, और इसको हम लगाने से पहले एक प्रोसेस बताऊँगा, उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करें इंडियन बजीज एंड लवबर्ड चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि ये मटकियाँ जो आप मैंने निकाली हैं, पुरानी मटकियाँ, और पुरानी मटकियों को लगाने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो ये है कि मटकियों को सिर्फ साफ़ करके नहीं लगाया जाता है, मटकी को बिल्कुल क्लीन करके उसके अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म करने के लिए हमें थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ता है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। और इनको धोने से, साबुन से धोने के बाद इनको खूब अच्छे से धोना है, और धोने के बाद 3 लीटर पानी में और 1 ढक्कन डिटॉल, लिक्विड वाला जो डिटॉल होता है वो आपको डालना है, और डालने के बाद मटकी को धो देना है डिटॉल के पानी से। और इसके साथ साथ अगर आप चूना जो होता है, पुताई वाला चूना, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो खाली डिटॉल से भी साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये मैंने मटकियाँ साफ़ की हैं, ये पानी से मैंने धोया है, और 3 लीटर बाल्टी के पानी में 1 ढक्कन डिटॉल आपको मिलाना है, और उसके बाद में उसके पानी से मटकी को धोना है। फिर पहले प्रोसेस ये है कि मटकी पूरे अच्छे तरीके से साफ़ पानी से, साबुन से धो लें, उसके बाद में डिटॉल से धोएंगे। ये देख सकते हैं कि मटकी के ये कैप हैं, कैप को भी मैंने खूब अच्छे से धोया है। ये देख सकते हैं, बाल्टी के अंदर मैंने भिगो के रखा है डिटॉल के पानी में। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये मटकियाँ पूरी तरीके से सूख चुकी हैं धूप में, और ये कैप सूख चुके हैं। अब हमारा लगाने का प्रोसेस है, अब हम चलते हैं कॉलोनी के अंदर, मटकी लगाने के बाद कैसे एक्टिविटी आती है बर्ड के अंदर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कॉलोनी के अंदर। तो फ्रेंड्स, 1 नंबर की हमने मटकी उठा ली है, अब इसको लगाते हैं। सबसे पहले दोस्तों 7 नंबर वाली मटकी है, मैं लटकाने के लिए, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने तार इस तरह से बांधा है और ये कील लगी हुई है, और इनको बस बहुत आसानी से मैं इनको लटका देता हूँ, और उतारने में भी बहुत ज़्यादा आसानी है। तो बस सिर्फ मैंने धोई है मटकी को और कुछ नहीं किया है, नंबर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, बस इनको क्लीन किया है, तार ऑलरेडी लगा हुआ था, हुक बना हुआ था, बस मुझे लटकाना है और कुछ नहीं करना। हम लगाते हैं 7 नंबर मटकी। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इस तरह से हुक लगाना है और ये ऐसे लटकाना है, और मटकी दोनों तरफ नहीं हिले, मैंने इसलिए दोनों तरफ यहाँ चौबे लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, पीछे वाली जो दीवार है, ये मैंने इस पर पेंट किया था पहले, और ये जो इन पर भी मैंने सब पे पेंट कर दिया था, अंदर लब्बड वाली भी और बजीज वाली भी, दोनों दीवारों को पेंट किया था। अब हम बस मटकियाँ लगा रहे हैं। अब ब्रीडिंग सीज़न जो है, लोग जुलाई में भी मटकियाँ लगा देते हैं, लेकिन मैं लगाता हूँ 15 अगस्त से पहले पहले, 10 अगस्त 12 अगस्त 15 अगस्त, बस ये मेरा टाइम होता है मटकी लगाने का, क्योंकि इस वक्त मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है और ह्यूमिडिटी भी काफ़ी हद तक अच्छी है। और कुछ लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि आप मटकियाँ कब लगाएंगे, जब आप लगाएंगे तब भी हम लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं, मैंने अब मटकियाँ लगा दी हैं, और अब आप लोग भी मटकियाँ लगाना शुरू कर दीजिए अपने कॉलोनी में, और फिर अपने बर्ड से ब्रीड लेना शुरू कर दीजिए।
तो देख सकते हैं हमारी ये वाली सामने वाली दीवार की पूरी लेयर लग चुकी है, चार लेयर हैं और एक लेयर में ऊपर वाली में 6 मटकियाँ हैं और बीच वाली में 7 मटकियाँ हैं और 34 मटकियाँ हैं। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अब मटकी लगने के बाद एकदम कॉलोनी के अंदर रौनक आ जाती है। यह बाकी मटकियाँ हैं, ये भी मैं इनको लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये सारी मटकियाँ लग चुकी हैं कॉलोनी के अंदर और सीक्वेंस में लगाई हैं। देखिए जैसे पहले थी वैसे ही लगी हुई हैं, एक नंबर से लेकर और यहाँ पर पूरे टोटल नंबर लगे हुए हैं 35। मेरे पास 35 पेयर्स हैं और 35 ही मटकियाँ लगी हुई हैं और लेकिन उसमें से कुछ मेल एक्स्ट्रा हैं, 3 या 4। तो टोटल ये होगा शायद 32 या 33 पेयर बैठेंगे। तो इस हिसाब से अब मटकियाँ बिल्कुल ठीक लगी हुई हैं और ये देख सकते हैं आपके अब ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आपको कुछ दिन बाद इनकी प्रोग्रेस दिखाऊंगा कि किस किस फीमेल ने मटकी पकड़ ली और फौरन ब्रीड के लिए रेडी हो गई। तो दोस्तों अब आएगा वीडियो में आपको मज़ा कि जल्दी जल्दी मैं आपको अब अपडेट देता रहूँगा इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस की। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जो भी मेरे व्यूवर्स इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फिर मिलते हैं नई वीडियो और नए अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।